friends, today I got to see you how to make beautiful wall hanging idea with Chris Samuel. Let's start. Required material, velvet cloth and velvet sheet, dono ka use kar sakte hain. Handmade paper, pink paper, scissor, marker, hot glue gun machine, fevicol, lace, scale, hardboard. मैंने यह hardboard को heart shape में cut किया है. मैंने इसमें के 4 piece लिए हैं. कुछ stripes भी cut किए मैंने. पेंट ब्रश, पैन, ग्लिटर, प्लकर, क्विलिंग स्टिक एक्सेट्रा, लेस. लेट्स स्टार्ट. मैंने यहाँ वेलवेट पेपर को हार्ड शेप में कट किया है एंड हार्डबोर्ड यूज किया है. अब मैं हार्डबोर्ड पे फेविकॉल लगाऊंगा. इसे अच्छे से फैला लेंगे. आप इसके लिए पेंट ब्रश का भी यूज कर सकते हैं. उसके बाद वेलवेट पेपर को उल्टा करेंगे और इस पे हमारा हार्ट चिपकाएंगे. इसे 2 मिनट सूखने देंगे. 2 मिनट सूखने के बाद हम इसके साइड्स को सीजर की मदद से कट कर लेंगे. इसी तरह सभी साइड्स को कट कर लेना है. के बाद फेविकॉल अप्लाई करेंगे और इन कट करे हुए पीसेस को अंदर फोल्ड कर करके रखते जाएंगे. इस तरीके से सभी को इसी तरीके से अंदर कर लेना है. फ्रेंड्स, हम अंदर का भी कट कर लेंगे और इसे भी इस तरह फोल्ड कर लेंगे. मैं आपको फोल्ड करके दिखाता हूँ. मैंने इसे चिपका के कंप्लीट कर लिया है. ये बैक साइड है एंड ये इसका फिनिश फ्रंट साइड है. अब मैंने यहाँ पे एक पिंक शीट का पीस लिया है जिसे मैं सर्कुलर शेप में कट कर लूंगा. अगर ये परफेक्ट सर्कुलर शेप में नहीं कटता है, डोंट वरी. अगर ये आड़ा टेढ़ा कटता है तो इससे फ्लावर में और लुक आएगा और फ्लावर का शेप बहुत अच्छा लगेगा. अब मैं यहाँ पे क्विलिंग स्टिक यूज कर रहा हूँ जिसकी मदद से मैं इसे गोल गोल घुमा लूंगा. फ्रेंड्स, अभी तक मैंने इस फ्लावर को हाथ से बनाना सिखाया है. अगर ये फ्लावर आपको ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप इसे इस तरीके से क्विलिंग स्टिक की मदद से भी बना सकते हैं. इसके बाद 2 मिनट रुक जाइए एंड पेपर को छोड़ दीजिए. ये ऑटोमेटिक फ्लावर शेप ले लेगा लाइक दिस. एंड में हम इसमें थोड़ा सा फेविकॉल ऐड करेंगे और फ्लावर को स्टिक कर देंगे जिससे हमारा फ्लावर एक जगह पे स्टेबल हो जाएगा. फ्लावर को हम 2 मिनट पकड़ के रखेंगे एंड इसके बाद फ्लावर यूज के लिए रेडी है. फ्रेंड्स, ये वाला फ्लावर मैंने आप मेरी बहुत सारी वीडियो में बताया है. इस बार मैंने आपको फ्लावर क्विलिंग स्टिक से बनाना बता दिया है. इसे आप और टाइप से भी बना सकते हैं लाइक दिस. फ्रेंड्स, फ्लावर यूज के लिए रेडी है. मैंने यहाँ पे कुछ अलग अलग साइज और शेप में लीव्स कट की है. 4 लीव्स मैंने क्राफ्ट पेपर की और 4 लीव्स हैंडमेड पेपर की यूज की है. मैं यहाँ पे एक रोज फ्लावर यूज कर रहा हूँ. थोड़ा सा फेविकॉल हम हमारे हार्ट पे अप्लाई करेंगे और हमारा रोज का फ्लावर लगा देंगे. दोनों तरफ थोड़ा सा फेविकॉल डालेंगे. और लीव्स को लगा देंगे. थोड़ा सा और फेविकॉल डालेंगे जिससे हम हमारे दूसरी लीव्स भी लगाएंगे. मैंने एक तरफ 4 लीव्स लगाई है एंड दूसरी तरफ भी 4 लीव्स का यूज किया है. इसी तरीके से और हार्ट्स रेडी कर लेंगे. मैंने इसी तरीके से यहाँ 4 हार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं. फ्रेंड्स, मैंने 3 इस तरफ के रोज लगाए हैं और एक पे अलग तरफ में रोज लगाए हैं. मैंने स्टार्टिंग में आपको लेस दिखाई थी. इसका मैंने एक पीस कट कर लिया है. इस पीस को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और हमारे हार्ट के
ऊपर इस तरीके से लगाएंगे जिससे हम इसे हैंग करेंगे। आप इसे फेविकॉल और हॉट ग्लू दोनों की ही मदद से चिपका सकते हैं। मैं आपको चिपका के दिखाता हूँ। मैंने इसे यहाँ अच्छी तरीके से ग्लू गन की मदद से चिपका लिया है। हैंग होने वाले के सेंटर में और इस तरफ साइड में प्लेस कर देंगे। मैंने यहाँ लेस का एक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस कट किया है जिसे मैं फर्स्ट वाले हाथ के सेंटर में लगाऊंगा। इसके बाद में यहाँ सेकेंड हाथ ले रहा हूँ जिसे मैं इसके सेंटर में लगाऊंगा। और बीच में जो हाथ आ रहा है फ्रेंड्स, ये जहाँ पर लेस टच हो रही है हम इसे इसके बैक साइड में अटैच कर देंगे। Like this. मैंने यहाँ एक 30 इंचेस लॉन्ग लेस का पीस कट किया है, इसे भी हम इसी टेक्निक से लगा लेंगे। मैं यहाँ इसे और डेकोरेट करने के लिए 3 रोज और 6-6 पीस लीव्स के यूज कर रहा हूँ, जिसमें मैं बड़ा वाला पिंक रोज ऊपर की ओर लगाऊंगा और छोटे वाले नीचे आते हुए लगाऊंगा। हॉट ग्लू की मदद से मैं लीव्स चिपका लूंगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बना के कंप्लीट कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे वॉल पे हैंग कर दिया है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करना कभी ना भूले फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।